Hi guys, welcome back to my channel. This is Anjali and thank you so much for watching this video. तो अपने आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं पुणे टू महाबलेश्वर. मॉर्निंग का टाइम है, बहुत ज़्यादा हवा चली गाइस, देख सकते हो आप कि मैंने स्कार्फ बांधा हुआ है अपने बालों को उड़ने से रोकने के लिए. तो चलिए चलते हैं. तो अभी हम हैं पुणे बेंगलोर हाईवे पे और हम अर्ली मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock घर से निकल गए थे क्योंकि सुबह का वेदर बहुत अच्छा होता है, ट्रैफिक भी कम होता है. वैसे भी हाईवे पे तो ट्रैफिक ज़्यादा होता नहीं है. और जो ये पुणे और बेंगलोर का हाईवे है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. यहाँ से आपको हिल्स भी दिखते हैं और आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है. तो बहुत ही अच्छा मौसम है अभी. नहीं नहीं गाइस, बिल्कुल रात नहीं हुई है अभी. अभी सुबह के 6:30 या 7 ही बज रहे हैं. एक्चुअली अभी हम हैं एक टनल के अंदर और बहुत ही लंबा टनल है ये, अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर्स होगा. एंड फाइनली हम टनल से बाहर आए हैं. तो मुंबई से आप जब पुणे जाते हैं या पुणे से आप बेंगलोर के साइड जाते हैं तो आपको बहुत सारे टनल मिलते हैं देखने को रास्ते में. और अभी हम रास्ते में उतरे हैं थोड़ा पेट पूजा करने के लिए और एक होटल में रुके हैं. सुबह की चाय के मज़े, आहा विद भजिया. मज़ा ही आ जाता है ना गाइस जब आप रास्ते में ऐसे जाते हो और कुछ खाते पीते रहते हो रास्ते में. और ये देखिए कितनी बड़ी ग्रीन चिली है ये, ओ माय गॉड. तो ये गाइस हम महाबलेश्वर में एंटर होने वाले हैं. आई मीन्स माउंटेन और हिल्स स्टार्ट हो गए हैं. यहाँ से आप देख सकते हैं और कितना अच्छा मौसम है बारिश के टाइम पे पुणे एक्सप्लोर करने का. आई मीन पुणे के आसपास के एरियाज अगर आपको एक्सप्लोर करने हैं तो मानसून सबसे अच्छा वेदर रहता है. लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही बारिश है पुणे में और लगातार बाहर बारिश हो रही है. तो गाइस बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. हमने अपने गाड़ी के शीशे भी ऊपर कर लिए हैं. आई होप वहाँ पर महाबलेश्वर पहुँच के बारिश थोड़ी रुक जाए या कम हो जाए तभी हम अच्छे से महाबलेश्वर के मज़े ले पाएंगे एंड घूम पाएंगे. अदरवाइज हमें गाड़ी के अंदर ही रहना पड़ेगा. लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट. वो गाइस किसी एक बहुत ही अच्छे इंसान ने कहा है ना कि मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा मज़ा तो उन रास्तों में है जो हम साथ मिलके एंजॉय करते हैं. वेल ये मैंने ही कहा है, मैंने ये अपने एक व्लॉग में कहा था. यस, मैंने अपने ये तामनी घाट वाले व्लॉग में कहा था. एंड सीरियसली गाइस, जब हम रास्ते में यू नो अच्छी कंपनी होती है तो हम उसमें ज़्यादा मज़ा करते हैं, मतलब फुल ऑन एंजॉय करते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने तक. तो यस, ये वाला जो हमारा रास्ता है ये भी बहुत ही ज़्यादा हमने इंजॉय किया है साथ में. एंड पुणे टू महाबलेश्वर जाने का जो रास्ता है वो इतना खूबसूरत है, इतना बेहतरीन है, इतने अच्छे व्यूज़ है ना कि आपको सारा का सारा मज़ा रास्ते में ही आने वाला है. ऑफ कोर्स महाबलेश्वर पहुँच के तो और भी मज़े आने ही वाले हैं. एंड दक्ष भी फुल ऑन मस्ती कर रहा है.
देख रहे ना गाइस कितना कितना ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ से। और इस टाइम पे बारिश के टाइम पे क्लाउड्स हैं, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये व्यू देखने में। तो बस हम पहुंचने ही वाले हैं, ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं महाबलेश्वर। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं, और ये महाबलेश्वर का मेन मार्केट है जहाँ पे, जहाँ से एंटर होते हैं महाबलेश्वर में। तो थोड़ा सा क्राउडेड है यहाँ पे, सारी मार्केट है, शॉप्स हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी घूमने फिरने की चीज़ें हैं यहाँ से आसपास ही हैं, 8 से 10 किलोमीटर के अंदर पंचगिनी या महाबलेश्वर का जो मेन शिव जी का टेम्पल है वो सब। लेकिन हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं, हम स्टे करेंगे शिव जी का जो टेम्पल है वहाँ पर, जो एरिया है वहाँ पर स्टे करेंगे। वहाँ पर भी काफ़ी सारे होटल हैं और नाइट में मार्केट बहुत अच्छी लगती है वहाँ पर। तो यस, हम वहाँ जा रहे हैं। तो महाबलेश्वर पहुंच के हमने क्या क्या किया और क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, वो आप देख सकते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे मैं आपसे शेयर करूँगी कि हमने महाबलेश्वर पहुंच के क्या क्या एक्सप्लोर किया, कहाँ कहाँ घूमे। तो यस, वो वीडियो मैं अपलोड करूँगी नेक्स्ट मंडे, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा गाइज। आज का वीडियो यहीं तक, आई होप आपको पुणे टू महाबलेश्वर का हमारा जो ये रास्ता था वो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपने भी इंजॉय उतना ही किया होगा जितना हमने किया है। तो यस गाइज, जल्दी मिलती हूँ आपसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, बी हेल्दी, बी हैप्पी, लव योरसेल्फ एंड यस बी योरसेल्फ। बाय बाय।